नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर में वर्तमान समय में जैसे जैसे कोरोना मरीजों के ग्राफ में कमी आ रही है, तो इंदौर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अलग अलग अधिकारी नए कामों की शुरुआत भी कर रहे हैं। ऐसी ही एक शुरुआत जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर माधव हसानी के नेतृत्व में की जा रही है, जिसको कुष्ठ खोजी अभियान नाम दिया गया है, जो की आगामी 1 माह तक चलेगा। इंदौर स्वास्थ्य विभाग द्वारा यूं तो हर मर्ज के लिए पूरे साल काम किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष लोगों के चलते विशेष अभियान चलाकर मरीजों को चिन्हित करते हैं। उन्होंने संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ देने का काम इंदौर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार करते रहते हैं। ऐसा ही एक अभियान कुष्ठ रोगियों के लिए शुरू किया गया है, जिसके चलते 580 टीमें बनाई गई है। इन टीमों का काम होगा कुष्ठ के रोगियों को खोजना और विधिवत उनको इलाज देना। कुष्ठ खोजी अभियान की शुरुआत के चलते दस्तक लाइव की टीम ने खास बातचीत जिला कुष्ठ अधिकारी से की और डॉक्टर हसानी ने बीते दिनों चल रहे कोरोना महामारी और कुष्ठ रोगियों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कुष्ठ रोगों का जीवाणु टीवी के साथ जीवाणु से मिलता जुलता है और हर रोग शरीर को जल्दी पकड़ता है, जिसमें आंतरिक कमजोरी होती है। कुल मिलाकर शहर के कुछ रोगियों के लिए 1 माह अभियान की शुरुआत की गई है, जो 1 माह तक चलेगी। सर, कुष्ठ रोग की जिम्मेदारी आपके सर माथे है, कुष्ठ रोगी और कोरोना, इन दोनों का क्या आपस में ताल्लुक है और वर्तमान में क्या स्थिति कुष्ठ रोगियों की है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, कुष्ठ रोग जो होता है एक जो उसका जो जीवाणु है वो टीबी के जीवाणु से मिलता जुलता है, लेकिन और बहुतायत में ये हम सभी के शरीर में पाया भी जाता है, लेकिन इससे बीमारी उन्हीं लोगों को होती है जिनकी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कुष्ठ रोग अपने आप में इस चीज़ का परिचायक है कि इस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम है। और जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना में भी जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को इस बीमारी का ज़्यादा प्रभाव पड़ा था और कुष्ठ रोगी भी उनसे अलग नहीं है। लेकिन हमारे पास इंदौर में जो वर्तमान में कॉलोनियाँ हैं या वर्तमान में जो उपचाररत रोगी हैं, जो कॉलोनियों से भिन्न सामान्य आबादी में भी रहते हैं, तो उनके बीच में हम लोगों को ऐसा कोई विशिष्ट लक्षण वाले मरीज देखने को नहीं मिले। मात्र एक रोगी हमको हमारी एक कॉलोनी है गांधीनगर के पास में, उसमें आया था और उसको भी हमने समय पे चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा दी और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता थी, लेकिन रोगी द्वारा उसको रिफ्यूज़ करने पर उसको लगातार वहीं ऑब्जर्वेशन में रखा उसके परिवार के साथ में और वो स्वस्थ हो गया। मतलब ये कहा जा सकता है कि चल रही कोरोना महामारी की लहर में कुछ रोगियों को भी सावधान रहने की और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं कुष्ठ से संबंधित और स्वयं मेरे द्वारा भी लगातार कॉलोनियों का भ्रमण किया जा रहा है और जो भी नाम से सोशल डिस्टेंसिंग हो या सैनिटाइजेशन हो तो या मास्क हो, उसके बारे में उनको सचेत किया जा रहा है। और आज से हम लोग वापस एक नया कुष्ठ जांच खोज अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, जो लगभग 1 माह चलेगा और उसके लिए हमने पूरे ज़िले में 580 दल आशा कार्यकर्ताओं के साथ बनाए हैं और जिसमें वो लोग संदेहास्पद रोगियों को खोजेंगे और हमारे कुष्ठ कार्यकर्ता उनका मूल्यांकन करके जिनमें भी बीमारी होगी उनका उपचार प्रारंभ करेंगे। आपका परिचय? डॉक्टर माधव हसानी, जिला कुष्ठ अधिकारी, इंदौर।